हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1979 में रिलीज हुई लाल लूना मूवी को। ये कहानी है एक ऐसे मॉम के बारे में जिसकी हस्बैंड मर जाने के बाद वो अपने बेटे के ऊपर ही अट्रैक्ट हो जाती है। साथ ही साथ उसका बेटा काफी नशा करता था, जिस वजह से वो नशे को छुड़ाने के लिए अपने बेटे के साथ वो सब कुछ करती है जो अपने हस्बैंड के साथ करती थी। तो कहानी की शुरुआत में हम जो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी मॉम कैथरीन और स्टेप फादर डोगलेस के साथ लंच कर रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो अपने स्टेप फादर डोगलेस को पसंद नहीं करता पर फिर भी उसे के साथ रहना पड़ता है। जो की मॉम एक सिंगर है और जो की जो असली फादर है वो एक टीचर है और इटली में रहते हैं। लंच करने के दौरान कैथरीन जो से कहती है कि उसे एक गाने की ऑडिशन देने के लिए इटली जाना होगा, जिस बात पे जो भी उसके साथ इटली जाने के लिए जिद करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो की स्टेप फादर डोगलेस कार को जब घुमा रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट काफी छोटा था पर फिर भी डोगलेस की मौत हो जाता है। अब कैथरीन डोगलेस के मौत से काफी परेशान हो जाती है और उधर जो भी कैथरीन को परेशान देखकर वो भी परेशान हो जाता है। इसीलिए इन सब को भुलाने के लिए और अपनी ऑडिशन देने के लिए जो को लेकर इटली चली जाती है। इटली पहुंचकर जो के साथ काफी बच्चों की दोस्ती हो जाता है और इसी बीच जो एरिना नाम की एक लड़की के ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है। एक दिन जो एरिना को एक मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है और वहाँ पर वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं। इसी बीच वो दोनों वहाँ पर रोमांस भी करते हैं और मूवी खत्म हो जाने के बाद जो वहाँ से निकलकर अपने मॉम के म्यूजिक शो में चला जाता है। वहाँ पर पहुंचकर वो अपने मॉम के म्यूजिक शो को देखता है जिसको देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। वहाँ पर कई सारे लोग उसकी मॉम की तारीफ कर रहा था जिसको सुनकर उसे काफी प्राउड फील हो रहा था। इसके बाद धीरे धीरे ये शो काफी फेमस हो जाता है और कैथरीन काफी पॉपुलर हो जाती है। इसी बीच एक दिन कैथरीन की एडवाइजर कैथरीन से कहती है कि कल उसके बेटे जो की बर्थडे है, जिसको सुनकर कैथरीन को काफी अफसोस होती है क्योंकि अपने बेटे के बर्थडे को भी भूल गया है। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जो अपने मॉम के ऊपर काफी नाराज था क्योंकि उसके मॉम ने आज उसे बर्थडे विश नहीं किया। तभी कैथरीन उसके पास आता है और उससे माफी मांगकर उसे मनाने की कोशिश करता है। इसके बाद अगले दिन कैथरीन अपने बेटे के बर्थडे के एक पार्टी देता है जहाँ पर वो दबाकर नशा कर लेती है और लोगों के सामने ही काफी अजीब तरीके से नाचने लगती है। अब जो को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसके फ्रेंड के सामने ही उसकी मॉम एक नचनिया की तरह नाच रही थी। इसीलिए जो एरिना को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक कोने में जाकर कुछ करने लगता है। उधर कुछ ही देर में जो के मॉम भी जो को ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है और वो एरिना को जो के साथ देखकर सोचती है कि शायद वो दोनों करीब आ रहे हैं, लेकिन उसे उन दोनों के करीब आने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। पर जब वो उन दोनों के पास आती है तब वो देखती है कि एरिना जो को एक इंजेक्शन दे रही थी, जिसको देखकर वो उन दोनों के ऊपर ही काफी नाराज हो जाती है और वो जो को अपने साथ घर लेकर जाती है। घर पहुंचकर वो जो से पूछती है कि वो किस चीज का इंजेक्शन ले रहा था, लेकिन जो उसे कुछ भी नहीं बताता। और कैथरीन जब जो की हाथ को चेक करती है तब उसे जो के हाथ में कई सारे छेद देखने को मिलता है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि जरूर जो अपने बॉडी में कोई नशीली चीज इंजेक्ट कर रहा है। इधर इन सारी चीजों की वजह से जो भी अपने मॉम से नाराज होकर घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं था, जिस वजह से वो दिन भर रास्ते में ही भटकता रहता है। और रात होने पर वो उसी के घर के बाहर आकर बाहर ही बैठ जाता है। तभी वहाँ पर कैथरीन भी आ जाती है और जो अपने मॉम से कहती है कि उसे अपने डैड के साथ मिलना है। जो को वहाँ पर काफी ठंड भी लग रहा था, जिस वजह से कैथरीन उसे घर के अंदर लेकर जाती है। अब अंदर पहुंचकर कुछ ही देर में जो की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगता है और इसीलिए कैथरीन एक डॉक्टर को बुलाती है। वो डॉक्टर जब जो को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि जो की कोई अंदर से बीमारी नहीं है बल्कि वो काफी नशा कर रहा है और इसीलिए उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रहा है। इसलिए डॉक्टर कैथरीन को जो को नशे से दूर रखने के लिए कहता है। इसके बाद से हम कैथरीन को काफी सैड देखते हैं और एक दिन कैथरीन जब कहीं से आ रही थी तभी वो जब अपने कार में बैठती है तब उसे अपने कार के अंदर एक लड़का बैठा हुआ मिलता है। उस लड़के का नाम है मुस्तफा और वो लड़का वही लड़का है जो उसके बेटे जो को नशे की सामान बेचता है। अब मुस्तफा कैथरीन के साथ उसके घर जाता है और घर पहुंचकर वो कैथरीन से कहता है कि उसका बेटा जो उसके घर से पैसे चोरी करके उसके पास से नशे की सामान खरीदता है, जिसको सुनकर कैथरीन को अपना बेटा जो के ऊपर काफी तरस आता है और वो मुस्तफा से कहता है कि उसे इतने कम उम्र में ये सब काम करना नहीं चाहिए, जिसको सुनकर मुस्तफा कैथरीन से कहता है कि वो आज से ये काम छोड़ देगा और इसके बाद वो अपने कंट्री चला जाएगा। अब आखिरी बार के लिए मुस्तफा कैथरीन को एक नशे की गुड़िया देता है और कहता है कि जो को इसकी जरूरत पड़ सकता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और कैथरीन भी अपने घर वापस आ जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि जो की हालत पहले से काफी ज्यादा ठीक हो गया है, इसीलिए रात में वो दोनों एक कैंडल लाइट डिनर अरेंज करते हैं जहाँ पर जो अपने हाथों से खाना पकाता है, लेकिन डिनर करते वक्त उसे अपने हाथों की ही बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। यहाँ पर कैथरीन नोटिस करती है कि जो धीरे धीरे चिड़चिड़ा हो रहा था, इसीलिए वो जो को वो नशे की गुड़िया दे देती है जिसको पाकर जो काफी खुश हो जाता है। इसके बाद जो वहाँ पर खाली इंजेक्शन ढूंढने लगता है, लेकिन काफी देर तक उसे जब खाली इंजेक्शन नहीं मिलता तब वो अपने हाथ को काटने लगता है। इधर कैथरीन अभी जो की ये पागलपन देख रही थी और वो जो के पास जाकर उसके हाथ को किस करने लगती है, लेकिन जो मानने वाला नहीं था। वो कैथरीना के हाथ को अपने पैंट के अंदर डाल देता है और उसे ब्लेजर देने के लिए कहता है।
अगले दिन कैथरीन म्यूजिक प्रैक्टिस करने के लिए एक म्यूजिक टीचर के पास जाती है, जहाँ पर उसके पीछे पीछे जो भी वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर कैथरीन को काफी अच्छी लगती है और कैथरीन जो को लेकर कहीं पर घूमने के लिए चली जाती है। इसी बीच जब वो लोग एक रेल लाइन क्रॉस कर रहे थे, तभी वहाँ के रेलवे फाटक बंद हो जाता है और इसीलिए उनके कार को वहाँ पर रोकना पड़ता है। वहाँ पर कैथरीन जो से कहता है कि वही जगह है जहाँ पर वो उसके डैड को पहली बार किस किया था। अब वो दोनों वहाँ पर ऐसे ही बात कर रहे थे कि तभी कैथरीन जो को किस करने लगती है। इसके बाद कैथरीन जो को अपने म्यूजिक स्कूल लेकर जाती है, लेकिन जो को वो जगह अच्छा नहीं लगता, इसीलिए कैथरीन जो को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब काफी दूर जाने के बाद एक सुनसान रास्ते में पहुँच कर उनके कार का टायर पंचर हो जाता है, जिस वजह से कैथरीन कार के टायर को चेंज करती है। लेकिन चेंज करते ही जो कैथरीन को वहीं पर ही छोड़कर कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब कैथरीन को जो की इस हरकत पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इसीलिए वो एक दूसरे आदमी से लिफ्ट मांगती है। इसके बाद कैथरीन जब उस स्ट्रेंजर के साथ एक पेट्रोल पंप में जाती है, तब उसे वहाँ पर उसकी कार नजर आती है, इसका मतलब जो वहाँ पर ही आकर रुका है। इसके बाद कैथरीन उस स्ट्रेंजर के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर वो उसके साथ बात करने लगती है। उधर दूसरी तरफ उसी रेस्टोरेंट में जो भी मौजूद था और वो कैथरीन को उस आदमी के साथ देखकर कैथरीन के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और वो कैथरीन को दिखाने के लिए वहाँ पर ही बहुत ही अजीब अजीब पागलों वाली हरकतें करने लगता है, जिस वजह से कैथरीन उसके पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। कैथरीन उससे कहती है कि वो उस स्ट्रेंजर के साथ जो कुछ भी कर रहा था वो बस मजाक कर रहा था और वो जो के डैड के अलावा जो से ही सबसे ज्यादा प्यार करती है। लेकिन जो को उसकी मॉम की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी मॉम उस स्ट्रेंजर से काफी हंस हंस कर बातें कर रही थी। इसीलिए जो कैथरीन से कहता है कि वो जो कुछ भी कह रही है वो सब कुछ झूठ कह रही है और वो उससे प्यार नहीं करती। अब ये सब कुछ कहकर जो अपने मॉम को गुस्सा दिखाकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन कैथरीन जो को उसके फादर से मिलाने के लिए लेकर जाती है, जो कि एक टीचर है। वहाँ पर पहुंचकर जो अपने फादर को देखता है और अपने बाप के ही जूते को पहनकर वहाँ से चला आता है। साथ ही साथ वो अपने जूते को भी वहीं पर ही छोड़ कर आता है, ताकि वो अगले ही दिन इसी बहाने से अपने बाप से मिलने के लिए जा सके। इसके बाद अगले ही दिन वो अपने फादर के घर जाता है और कहता है कि वो जो का फ्रेंड है। इसी बीच वो अपने फादर से ये भी कहता है कि जो की अभी डेथ हो चुकी है और कल उसकी वाइफ की एक म्यूजिक शो है। इसके बाद जो वहाँ से चला जाता है और कैथरीन के पास जाकर कहता है कि डैड काफी अच्छे हैं। अगले दिन कैथरीन जब म्यूजिक शो में जाती है, तब वो जो के साथ साथ उसके डैड को भी देख पाती है, जिसको देखकर कैथरीन काफी खुश हो जाती है और उसके पास जाकर कहती है कि जो उन दोनों का बच्चा है। अब ये सब कुछ सुनकर जो के फादर जो के पास जाता है और उसे एक जोरदार चाटा मार के उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और दोस्तों यहाँ पर ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।